मैं कौन मेरा कौन मैं कौन मेरा कौन मेरा भगवान साथी बैठा है और ये जो बहन है देखो जहां भी मैं होती हूँ ना मेरे साथ उसे बिठाएंगे अभी उठाएंगे कहेंगे उठो जो भी करो परंतु मुझे जो बाबा ने परमात्मा बाप ने अंदर ही अंदर या एनर्जी कैसे पैदा होवे जिसमें सच्चाई की शक्ति अपने आप काम करती है। बहन आशा मैंने कर पूछा आप दिल्ली में रहती हो मैं दिल्ली में पहले पहले शुरू शुरू में जब दिल्ली कम्युनिस्ट का शुरू हुआ था हमारा जगदीश भाई था तभी मैं वहां रहती थी। आज मेरा रहने का स्थान कहाँ है वो इनसे पूछो आप बताओ यहाँ सब को देख खास हमारे हम आपके मेहमान हैं आप हमारे मेहमान निर्मल भाई कहाँ गया अच्छा बताया ना? तो ये हमारे मेहमान है हम इनके मेहमान है मेहमान क्यों का शांति ओम शांति ठीक है ये कैसे मेहमान नहीं कहो हम घर के है मैं ओम शांति बोल दो ये कहती है बस ज्यादा नहीं बोलो भाई ज्यादा नहीं बोलो क्या बोलो भाई साहब कहते और बोलिए लेकिन वहां से ऑर्डर आ रहा है भाई साहब जैसे जो बोलो नहीं सुनो सुनो हाँ पर्सनली मिलेंगे आपसे पर्सनली मिल लेंगे अच्छा ठीक है जो भी हुक्मी हुक्म चलाए रा जो भगवान का हुक्म जो हमारे भाइयों का बाबा का बच्चों का मेरे को जो हुक्म मैं हुक्म ठीक है ठीक है ओम शांति बोल दो ये ओम शांति कहते ओम शांति एक बार दादी जी के लिए भरपूर तालियां दादी जी ने बहुत सारे पाठ पढ़ाए बहुत सारे पाठ पढ़ाए यदि हम उनका संकलन करें तो छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूला दादी ने जीवन को सशक्त करने के लिए दिए सच्चाई सफाई सादगी दिल की सच्चाई होगी तो ही शक्ति आएगी हिम्मत रखिए मदद वह देगा उसका हुक्म चल रहा है हुक्म मानते चलें और एक बात जो ध्यान पर दिलाई अंडरलाइन कराई मैं कौन हूं मेरा कौन है और मुझे क्या करना है ये बात हमें भूलनी नहीं है अधिक समय न लेकर अब वह वक्त आया है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे माननीय राष्ट्रपति जी आपका आज
इस विशाल ब्रह्मा कुमारी परिवार में आना हम सब के लिए अति गौरव और गर्व की बात है। राष्ट्रपति के नाते, बड़े भाई के नाते हम आपसे सुनना चाहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर आपके अमूल्य विचार और आपकी गाइडेंस। आपसे मैं नम्र निवेदन करती हूं कि आप अपना उद्बोधन हम सबके प्रति रखेंगे। माननीय राष्ट्रपति भ्राता रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति भारत सरकार। सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री बी डी कल्ला जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी, जिनको अभी हम सब लोग मार्गदर्शन सुन रहे थे, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसलिए शांति वन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दादी जी का उद्बोधन सुनने के पश्चात मुझे लगता नहीं है कि शायद उन्होंने जिस विषय की चर्चा की है, जो विषय हमारे सामने रखा गया है, उस पर कुछ बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बहुत बहुत प्रेरणादायक हम सबको एक मंत्र दिया, सच्चाई, सादगी और सफाई। और यदि इस मंत्र का उच्चारण करते करते हम सब लोग अपने जीवन में भी आचरण में भी ढाल लें, तो मुझे लगता है कि शायद विश्व का कल्याण भी होगा, मानवता का कल्याण होगा, और जिस शांति की खोज में हम सब लोग भटक रहे हैं उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो शांति तो आप में अपने आप स्थापित हो जाएगी। कभी कभी लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं आप राष्ट्रपति जी हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं भी कहता हूं कि हां, सचमुच में है, क्योंकि एक संविधान बना हुआ, संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है उसको कहा जाता है कि वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि आखिर प्रथम नागरिक होने का अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इस देश के यदि 135 करोड़ लोग हैं और वो सभी नागरिक हैं, तो उन नागरिकों में एक प्रथम नागरिक होने का क्या महत्व क्या है। तो मैं इसको एक आप सबके लिए एक परिधि होती है, गोलाकार होता है, और इस गोलाकार में यदि हम 135 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, एक स्थान पर मैं भी खड़ा हो जाऊं, तो मैं यदि लोग मुझे कहते हैं प्रथम नागरिक, तो यदि उस जगह से हट करके मैं सोचता हूं कि 135 करोड़ जिस पर भी आप उंगली रखेंगे वो भी प्रथम ही नागरिक होगा। पूरा विश्व शांति की खोज में, इंसान पैदा होता है, उसके जीवन की समाप्ति भी शांति की खोज में ही व्यतीत होती है।
वो सोचता है कि यदि कोई पद मिलता है तो इसमें शांति आएगी, प्रतिष्ठा मिलेगी तो शांति आएगी, धन दौलत मिलेगा तो शांति आएगी, हमें अच्छे रिश्ते मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे तो मेरे मन में शांति आएगी। लेकिन इन सब के मिलने के बावजूद भी जब इंसान अशांत रहता है तो लगता है कि शायद इन चीजों में शांति नहीं है बल्कि शांति और कहीं है। और वो और कहीं नहीं, जिसका दादी ने कहा और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो एक वाक्य कहा था कि आप सब मेरे मेहमान और मैं आपकी मेहमान, तो मुझे लगा इसीलिए मैं उनको संकेत कर रहा था कि यहां तो मैं भी उनकी मेहमानगिरी के लिए आया हूं, तो इनको जितना भी उद्बोधन हम सबको देना है वो देना चाहिए, और इसीलिए मैं रोकने के लिए मना कर रहा था। लेकिन फिर भी एक समय की मर्यादा, एक अनुशासन की मर्यादा, संस्थान जो सोच रहा था उससे सहमति व्यक्त करते हुए भी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं दादी को और भी सुनूं। जब हमें शांति नहीं मिलती है तो हम फिर भटकते हैं और लगता है कि उपासना पद्धति में हमें शांति मिलेगी। यदि हम हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, सिख परंपरा को मानने वाले हैं गुरुद्वारा में जाएंगे, मत्था टेकेंगे। यदि हम मुस्लिम परंपरा को मानने वाले हैं तो एक हम मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। यदि हम ईसाई परंपरा को मानने वाले हैं तो शायद हम चर्च में जाएंगे, प्रेयर करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन एक जो अध्यात्म का आपने एक मार्ग खोजा है उसमें ये जो तीन चरण, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है तीन चरण होते हैं, ये उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, ये सब जो है वो एक पहला चरण है। और इसकी जो ये सच आपने किस हद तक आप अपने कार्य में, अपनी पूजा उपासना में सफल हुए हैं, इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि आप में नैतिकता आती है, मॉरल वैल्यूज, वी ऑल हैव टू, इफ वी डेवलप आर एबल टू इनकल्केट द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग द मॉरल वैल्यूज, देन वी कैन से यस वी हैव बीन सक्सेसफुल इन अवर प्रेयर्स। और अगर वो नैतिकता का अभाव रहता है तो ये एक उसका क्राइटेरिया है, तो हम समझ लेना चाहिए हमारी पूजा पद्धति में कहीं ना कहीं, खोट में नहीं कहता हूं लेकिन मैं उस पूजा पद्धति में सफल नहीं हुआ। और उसके पश्चात अंत में आता है आध्यात्मिकता। और कभी कभी लोग उपासना पद्धतियों को मानने में ही सोचते हैं कि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगा। अध्यात्म के मार्ग पर चलने की जो सच्ची कसौटी है वो दादी ने जो हमें बताई है कि हम और आप सब में एक ही सृष्टा है, एक ही ईश्वर की हम सब संतान हैं। जिस दिन ये भाव हम सब में आ जाएगा उस दिन मैं समझता हूं कि शायद हम अध्यात्म के रास्ते पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है। हजारों की संख्या में यहां उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का ये समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है। लगभग 80 वर्ष पूर्व इस ईश्वरीय संस्था को आरंभ करने वाले दादा लेखराज जी, जो ब्रह्मा बाबा के नाम से सम्मानित हैं, पहले एक सफल उद्यमी थे। कहा जाता है कि वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। और ये बात भी सच है कि एक जौहरी जो होता है वो हीरों का सच्चे मायने में पारखी होता है। बाबा ने
वो अनगढ़ पत्थरों को तराश तराश कर चमकदार हीरों का रूप दिया है। मैं समझता हूं कि ब्रह्मा बाबा ने आजीवन इंसानों को तराशने का काम किया। आज यहां आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तराशे हुए हजारों महिला रत्न यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूं, महिला रत्न। कुछ माह पूर्व मुझे पिछले वर्ष की बात है, शायद सितंबर या अक्टूबर में राष्ट्रपति भवन में मुझे निमंत्रण देने आए थे। उसमें बीके आशा बहन, बीके ब्रजमोहन जी और अन्य साथी, और उन्होंने कहा था कि दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी। तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को यह संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट ना करें। मैं आऊंगा, दादी से मिलने आऊंगा, दादी को सुनने आऊंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि दादी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। दादी का पूरा जीवन ईश्वरीय सत्ता के निमित्त के रूप में मानवता की सेवा के प्रति समर्पित रहा है। यह उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय अभियान में दादी जानकी स्वच्छता एम्बेसडर रही है, और उन्होंने बात भी की है, सफाई की बात की है। मुझे बताया गया है कि सुदीर्घ आयु की अन्य राजयोगिनी बहनें भी आप सभी का यहां मार्गदर्शन कर रही हैं। यह राजयोग की एक प्रभावी पद्धति का प्रमाण भी है और आपकी संस्था का सौभाग्य भी। कभी कभी मुझे टीवी देखने का मौका मिलता है, वो भी स्पिरिचुअल टी या भक्ति से जुड़े हुए कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स या फिर डीडी न्यूज, इस प्रकार के प्रोग्राम देखने का यदि समय मिल जाता है तो उस पर एक कार्यक्रम आता है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, और उसमें एक हमारी बहन है बीके शिवानी, शिवानी को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने देखा है कि इंसान के सामान्य व्यवहार के दौरान जो मनोभाव उपजता है या पैदा होता है, उस मनोभाव का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने की योग्यता इस बेटी में है। बहनों और भाइयों, इस राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय बहुत ही प्रासंगिक है। सामाजिक परिवर्तन हेतु महिला सशक्तिकरण को आप सबकी संस्था सही मायनों में बहुत बड़े पैमाने पर स्वयं अंजाम दे रही है। संभवतः ये महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। आपके संस्थान ने ब्रह्म कुमारियों को आगे और सहयोगी ब्रह्म कुमारों को नेपथ्य में रखकर आध्यात्मिक उत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन का एक आदर्श पूरी मानवता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप जिसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, सचमुच में पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर की सृष्टि है, और यदि पूरे सृष्टि को ही हम
ईश्वरीय विश्वविद्यालय मान लें तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी शक्ति के विभिन्न आयामों को के समुचित उपयोग महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को सुनिश्चित करने में आध्यात्मिक की भूमिका तथा भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के संरक्षण में महिलाओं की जिम्मेदारी से जुड़े विषयों का इस सम्मेलन के लिए चयन करने के पीछे आप सबकी सोच गहरी भी है और दूरगामी भी। महिलाओं को आगे बढ़ाकर ही समानता और समरसता पर आधारित समाज का निर्माण संभव है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए इस देश में एक महामानव पैदा हुआ था जिसने वंचित वर्गों और महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष किया और वो थे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर। संयोग से आज उनका परिनिर्वाण दिवस भी है। आज प्रातः मैंने यहां आने से पूर्व दिल्ली में संसद भवन के परिसर में जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से डॉक्टर आंबेडकर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब लोग शायद इस बात से अवगत होंगे कि बाबा साहब ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के पक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। वे महिलाओं के सशक्तिकरण को सदैव प्राथमिकता देते थे। हम सब लोग मानते हैं कि शिक्षा सशक्तिकरण का आधार होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक राष्ट्र की जननी स्वरूप हमारी स्त्रियां ज्ञानवान नहीं होती और उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती तथा उनसे संबंधित कानूनों, रिवाजों और पुरानी पीढ़ियों में अनुकूल परिवर्तन नहीं किए जाते तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम सब देखते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है, लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि बालिकाओं की शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल विवाह को रोकने, स्कूलों में बेटियों की संख्या बढ़ाने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और बेटियों के लिए स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करने से छात्राओं को सहायता मिली है। यह एक सामाजिक सत्य भी है कि जब आप एक बालक को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ केवल एक परिवार को मिलता है, लेकिन जब आप एक बालिका को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ दो परिवारों को मिलता है, एक उसका अपना परिवार और एक जहां पर वो विवाह के पश्चात जाने वाली है। एक बात को और आपने देखा होगा कि शिक्षित महिला के बच्चे कभी अशिक्षित नहीं होते, कभी भी अशिक्षित नहीं रहेंगे। शिक्षित महिलाएं अपनी अगली पीढ़ी का बेहतर निर्माण करती हैं। बहनों और भाइयों, नारी विकास केंद्रित योजनाओं के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी सुधार हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सुधार के लिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बताया गया है कि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में लगभग 35 पॉइंट्स का सुधार हुआ है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में यह बहुत उल्लेखनीय है कि 1000 बेटों पर 1003 बेटियां पैदा होना एक बहुत सुखद सामाजिक स्थिति है। और आप लोग अधिक समझते होंगे, बांसवाड़ा एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। इस दिशा में जन धन योजना कारगर साबित हुई है जिसमें खोले गए करोड़ों खातों में से 52% खाते महिलाओं के नाम पर।
उद्यमिता एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रेरक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। इस वर्ष वर्तमान लोकसभा के लिए अब तक की सर्वाधिक संख्या, अब तक की जितने भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव से बढ़ चढ़ करके इस बार 78 महिला सांसदों का चुना जाना हमारे समाज की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं के जरिए 10 लाख से भी अधिक महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। इस तरह विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी हो रही है। महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसका उल्लेख भी किया गया। इस विषय पर बहुत काम हुआ है लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी। और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं। एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सबके संस्थान के तकरीबन 8000 केंद्र लगभग 140 देशों में सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में आप सबकी भागीदारी की मैं सराहना करता हूं। क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने, पर्यावरण के हित में काम करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के जरिए आप विश्व स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश भर में फैले आप सबके नेटवर्क से अमूल्य योगदान मिल रहा है। आप सबकी सहभोज की व्यवस्था जिसकी सराहना सब लोग करते हैं, सहभोज की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा समानता और समरसता को बहुत बल मिलता है। नारी शक्ति के सार्थक उपयोग के अतुलनीय उदाहरण के रूप में आपके संस्थान ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि अध्यात्म द्वारा मानव कल्याण का आप सबका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरी शुभकामना है कि आप सबके प्रयासों के बल पर संपूर्ण मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समरसता से समृद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी का। आपने दिशा निर्देश दिए और राष्ट्रपति जी आप अपने परिवार में आए हैं। दादी जी का जो वात्सल्य आपके प्रति देखा, आपका स्नेह जो दादी जी के प्रति देखा, ऐसा लगता है कि ये